थॉर को धोखे से मारने के बाद अपने कौवे को भेज देता है सिल्वर सफर के साथ, ऐसा किसी को ढूंढने जर्नल को हरा सके। और सिल्वर सफर ने उसे ढूंढ भी लिया था, जो कि और कोई नहीं एनिग्मा फोर्स यानी कि गॉड ऑफ लाइट कैप्टन यूनिवर्स है। फिर हम देखते हैं कैप्टन यूनिवर्स एडी ब्रॉक के बॉडी में घुस के उसे जिंदा कर देता है और पूछता है किसका रूप लेना है। और इधर एवेंजर्स नल की तरफ आगे बढ़ रहे तभी एक लाइट दोनों के बीच में गिरता है और हम देखते हैं गॉड वेनम को म्यूलनीर और सिल्वर सफर के बोट दोनों को मर्ज करके अपने लिए एक बैटल एक्स बना लेता है। ये देख के नल की इतनी फट जाती है कि वो भागने लगता है। फिर नल को बचाने के लिए उसका एक सेलेस्टियल आता है, लेकिन गॉड वेनम उसको एक ही ब्लो में मार देता। फिर नल नेक्रोसॉट से गॉड वेनम के पीछे से हमला करता है, लेकिन गॉड वेनम नेक्रोसॉट को सिर्फ छुप उसे धूल बना देता है। नेक्रोसॉट जिससे सेलेस्टियल गैलेक्टस जैसे गॉड्स भी डरते थे, आखिर तुमने उसे कैसे धूल बना दिया। लेकिन गॉड वेनम नल को पकड़ के उसकी बॉडी से सिम्बियोट अलग करके जैसा उसने एडी के साथ किया था और उसे सन मिले जगह मार देता है।